खुद हमारे अपने किसी का मसला है। एक और जो चीज हैरत अंगेज है जो किसी की वाकत को जैसे वो देखते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने कहा कि मेरे लिए एक अमन का घर बनाओ, एक ऐसा घर बनाओ जो जहाँ पर भाईचारा हो, प्यार हो, अमन हो और लोग अमन जिसके साथ रह सकें, भाईचारे के साथ रह सकें। और 3800 साल से जेरूसलम एक ऐसी जगह बना हुआ जब सिर्फ खून खराबा होता था। कभी यहूदी गालिब आ गए, कभी ईसाई गालिब आ गए, कभी मुसलमान गालिब आ गए, कभी रोमन पैगन्स गालिब आ गए। रोमन चूँकि पैगनिज्म ख़त्म हो गया इसलिए वो दावेदार नहीं रहा, लेकिन 4 दावेदार जेरूसलम पर मौजूद हैं दुनिया में जिसका दावा है कि ये हमारे जगह। तो अल्लाह ताला ने बनाया था जेरूसलम को मुकद्दस जगह इसलिए बनाया था कि ये अमन का घर अपने लोगों ने अपने मिजाज से, अपने हया से, अपने जीवों में उस जगह को दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक जगह बना दिया। तो ये एक जो लोगों को खुद सोचना चाहिए कि जो उनको अल्लाह ने जो खासियत की है उनकी अपनी हैसियत की है उस पर वो चल नहीं रहे और इसको एक अमन की जगह बनाने नहीं मिल रहा है, वो इसे जो है कहीं और ले जा रहे हैं। इज़राइल के मसले में अगर देखें तो जो एक बड़ा अहम वाक़ जो सब शायद पड़ा होगा ज़्यादा नहीं, गोल्डा मायर का वाक़ है। गोल्डा मायर ने दुनिया के सबसे बड़े हथियार की जो सौदागर था उसको बुलाया और उसे बुलाया करना चाहिए, तो बुलाया आगे हो और उसे थाला दिए थे सर, प्राइम मिनिस्टर थी वहाँ की, अपनी रसोई में खुद जो है किचन में वो चाय बना रहे थे। उसके बाद आज यही बात करते हैं, थोड़ी देर चाय बनाते हुए बात की, थोड़ी देर बाहर से भी बात की, तो उसने कहा कि आपको हथियार क्यों खरीदना चाहते हैं, आपकी हालत तो बहुत ख़राब है, इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब है, आप क्यों हथियार खरीदना चाह रहे हैं। तो गोल्डा मैर ने कहा कि देखिए मैंने अरबों का जो हीरो है उससे एक बात सीखी, वो बात ये सीखी कि वो खाली पेट लगते थे लेकिन उनके यहाँ दो चीज़ जरूर होती थी, एक घोड़ा होता था और एक तलवार होती थी। अल्लाह के रसूल सासू का इल्ज़ाम दिया कि जब उनका निकाह हुआ तो कुछ उनके पास दौलत भी थी लेकिन कई तलवारें उनकी लड़की लड़ती थी। तो हम भी भूखे रहेंगे लेकिन ये कि हमें अगर अपनी इज्जत को बाहर करना है तो हमें हथियार खरीदने की बात करनी चाहिए और जो कुछ भी सौदा होगा हम साइन करेंगे। आप समझिए कि इस्लाम के हीरो से उन्होंने एक इंस्पायरेशन लिया और उस इंस्पायरेशन के जरिए उनको मजबूत किया। हम शायद उस इंस्पायरेशन को नहीं ले पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये भी एक हमारे सामने सोचने की बात है। एक एक पहलू इसमें ये रहा है क्योंकि 70s में 1970 के आसपास बहुत से फिलिस्तीन से मेरा स्टूडेंट्स जो आते थे पढ़ाई काफ़ी स्टूडेंट्स घुमाने में आते थे, मेरे स्टूडेंट रहे उधर यूनिवर्सिटी में, मैंने पढ़ाया स्टूडेंट क्योंकि मैं PLO से जुड़े जो जुड़े स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ देखता था, रात भर राश खेलना, शराब पीना और लड़कियों की उसमें है रहना आपका, मैं उनसे कहता था तुम कैसे जीतोगे, तुम दुनिया की सबसे बड़ी जंग के लिए खड़े हो और तुम कैसे जीतोगे, ये कैरेक्टर अगर तुम्हारा होगा तुम जीत नहीं सकते। मेरे आपको सालों बाद हम देखा GIO जनरल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके स्टूडेंट्स भी आना शुरू हुए, इस्लामिक माहौल इसमें पैदा करना शुरू किया। अभी हम देखें पूरी लड़ाई में तो हमास क्योंकि इस्लामिक वैल्यूज़ के साथ वो खड़ी है, अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, वो उसकी दहशत है, लेकिन जो ग्रुप्स इस्लाम को छोड़कर लेफ्टिज़म, कम्युनिज़म, सोशलिज़म, दूसरे आइडियोलॉजी के साथ लड़ना चाह रहे हैं वहाँ पर, उनको वो उर्दू हासिल वहाँ नहीं हो सका, चाहे वो क्या सर पाक हो या कोई भी हो। ये कहूँ मतलब जो जो असर होना चाहिए ये है कि उन्होंने एक दुनिया के साथ के रिश्ते के साथ का जुर्माने उसकी वजह से एडवांटेज हासिल किया है, लेकिन जो जो इज्जत और जो जो खौफ हमास में पैदा किए हैं इस्लामिक वैल्यूज़ उसके पीछे है। ये इस्लामिक वैल्यूज़ भी जो है वहाँ यानी तालीम लिहाज से बहुत आगे हैं, बहुत से बहुत आगे हैं लेकिन और उसमें बहुत से अच्छे ग्रुप्स भी हैं, खास वेस्ट बैंक की मैं कह रहा हूँ, वेस्ट बैंक में शायद इस्लामिक वैल्यूज़ वैसे नहीं जैसे लाद पट्टी और जैसे मौजूद हैं। बहरहाल इस्लाम को अगर आइडियोलॉजी बनाकर जो भी मेहनतें होंगी कोशिशें होंगी ज़्यादातर उससे बेहतर होता है, ये हमें फिलिस्तीन के वाक़े से भी मालूम होता है और जहाँ भी इससे की चीज़ें होंगी हम उसकी कोशिश करते हैं। खुद
फिलिस्तीन की जो लड़ाई है और जो आलमी हालात हैं उसमें इसराइल ने भी भुगता है। इसराइल अभी आप कह रहे थे कि इसराइल एजुकेशन में आके साइंस में आके, ऐसा नहीं है। पिछले 10 सालों में या 15 सालों के अंदर इसराइल की हालत बहुत खराब है, बिल्कुल भी उसे खराब हुई है। साइंस के मैदान में वो किसी ज़माने में एडवांटेज पर था, आज वो 28वें मकाम पर इसराइल मौजूद है। जबकि बहुत सी इस्लामी मुल्क जैसे ईरान 16 नंबर पर है, तुर्की 21वें नंबर पर है, 24वें नंबर मलेशिया है, सऊदीया बहुत पीछे नहीं है इसराइल से। तो ऐसे कई 3-4 ममालिक मुसलमानों के रूप में जो साइंस की प्रोडक्शन के अंदर जो है, और ये थॉमसन राइटर के पूरा सर्वे के डेटा में बोला करता है, उसके बाद और भी आगे क्वेश्चन इसकी रेंज में हाई हुई होगी। तो जो कौमें थोड़ी मेहनत करती है और अपने आप को संभाले फिर आगे बढ़ती हैं, इसराइल उस नहीं में इसराइल उस लिहाज से जो है आप देखें तो साइंस प्रोडक्शन के मैदान में पिछड़ रहा है। इसराइल को सबसे बड़ा एडवांटेज सिर्फ अमेरिका से है कि जो यहूदी अमेरिका में या यूरोप में बसे हैं उनका एक एडवांटेज बना हुआ है। लेकिन इस वक्त बड़ा माइग्रेशन वहाँ से भी हो रहा है, इसराइली यूनिवर्सिटियों से माइग्रेशन हो रहा है। इसराइल यूनिवर्सिटियों को फंड फाइनेंस नहीं कर पा रहा है, इसराइल जितना फाइनेंस ज़रूरत है वैसे नहीं कर पा रहा है। कुछ जो है उनको एडवांटेज, जैसे चूँकि डेजर्ट का एक बड़ा पार्ट रहा है, डेजर्ट इंडस्ट्री उन्होंने डेवलप की और इंडिया में सबसे पहले उन्होंने जो बेचा था वो जो है एग्रीकल्चर जो उनकी इंडस्ट्री थी उसको मार्केट किया। राजस्थान में हमारे देखें रेगिस्तान में आया हो तो रेगिस्तान में खेती कैसे की जाती, तो ड्रिपिंग जो उनकी जो टेक्नोलॉजी है जिसमें बूंद से वो सिंचाई करते हैं उसको उन्होंने मार्केटिंग किया। और दूसरा वार टेक्नोलॉजी उनके पास उन्होंने डेवलप की है, क्योंकि उनको पूरा लड़ना था, वो सारे 32 दांतों में भी देखिए जुबान की तरह कमजोर सेक्शन था उनका, उन्होंने मजबूत किया। तो वार टेक्नोलॉजी को बड़ा क्या उन्होंने ध्यान दिया और पूरी दुनिया से उन्होंने उस वार टेक्नोलॉजी को एडवांस करने की कोशिश की, वो आज उसको बेच रहे हैं। बाकी और चीज़ों में बहुत ज़्यादा इसराइल का आप देखें तो रोल नहीं है, किसी और लाइन में एग्रीकल्चर में उनका बहुत बड़ा रोल है जिसमें उन्होंने बहुत इनोवेशन किए हैं और वार टेक्नोलॉजी के अंदर भी उनके कुछ इनोवेशन किए हैं दुनिया में जाने जा सकते हैं। तो ये जो इसराइल की जो अपनी सूरत हाल है।